Find the value of G at a depth of 610 किलोमीटर from surface of earth. तो क्या फॉर्मूला लगेगा? डेप्थ का फॉर्मूला तो है ही एक, 1 माइनस एक्स बाय आर. इस क्वेश्चन में ये एक्स गिवन है, इस क्वेश्चन में ये आर गिवन है, और जी को तो 9.8 लेना ही लेना है. आंसर, पहला आंसर आ गया, ठीक हो गया. दूसरा क्वेश्चन है, कैलकुलेट द डेप्थ बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ. क्या निकालना है? एक्स, ताकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी हो जाए? जितनी सरफेस के ऊपर है उससे हाफ. तो फॉर्मूला क्या लगेगा? जी डैश जी 1 माइनस एक्स बाय आर. जी डैश की जगह क्या पुट करेंगे? जी बाय टू. जी 1 माइनस एक्स बाय आर, तो जी से जी कैंसल, एक्स निकाल लेना. आंसर समझ में आ रहा है कैसे करना है? थर्ड क्वेश्चन करो. तो थर्ड में हाउ मच बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, बोलो क्या निकालना है? एक्स. एक्सेलरेशन ऑफ ड्यू टू ग्रेविटी कितनी हो जाए? 70% जितनी सरफेस पे है. तो फॉर्मूला लगाओ, एक्स जी डैश विल बी इक्वल टू जी 1 माइनस एक्स बाय आर. जी डैश की जगह 70% ऑफ जी, जी 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय आर. तो निकाल लेना यार x इन टर्म्स ऑफ r की वैल्यू गिवन है. आंसर ठीक है? ठीक. नेक्स्ट है, हाउ मच बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ, x निकालना है फिर से. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g डैश बोलो कितनी लेनी है? 36% ऑफ g. क्लियर है? क्योंकि उसने क्या कहा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी हो जाए? 36% ऑफ जी. लेकिन सेकेंड पार्ट देखो, रिड्यूसेस बाय 36%, तो बची कितनी? 64%. तो इस केस में जी डैश क्या लेना है? 64% ऑफ जी, क्योंकि वो रिड्यूस्ड हो जाए या रिड्यूस्ड बाय हो जाए, फर्क है. हो जाएगा, एक्स निकलाएगा दोनों केस में, फॉर्मूला तो एक ही है. ठीक. नेक्स्ट है, कंपेयर the weights of a body 100 km above the surface of the earth and 100 km below the surface of the earth. तो पहला केस अबव, अबव के अंदर g डैश का फॉर्मूला g 1 माइनस 2h बाय r, क्योंकि 100 किलोमीटर बहुत बड़ी वैल्यू है नहीं, शॉर्टकट से चलेगा. तो वेट के लिए क्या करना पड़ेगा? दोनों साइड m से मल्टीप्लाई. ठीक. तो ये वेट किस में आ गया? ये वेट अबव आ गया. वेट अबव विल बी इक्वल टू एम जी 1 माइनस 2 इंटू 100 डिवाइडेड बाय आर. इक्वेशन नंबर 1. ठीक हो गया. अब ऐसी अगर बिलो निकालना है तो डेप्थ पे निकालना है, तो फॉर्मूला जी डैश इज जी 1 माइनस एक्स बाय आर. एम से दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपके पास ये टर्म आएगी. ये वेट क्या है? ये वेट है बिलो एम जी 1 माइनस 100 बाय आर. इक्वेशन नंबर 2. तो आप इन्हें डिवाइड कर लें, तो डिवाइड करके वेट अबव वेट बिलो विल बी इक्वल टू एम जी से एम जी कैंसल 1 माइनस 2 इंटू 100 बाय आर डिवाइडेड बाय 1 माइनस 100 डिवाइडेड बाय. इसे सॉल्व करें, आर की वैल्यू पुट करके रेशियो आ जाएगी. समझ में आ रहा है क्वेश्चन कैसे करना है?